अगर सिविक कॉइन की प्राइस की अगर बात करें तो अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला है 24 आवर में। ऑलमोस्ट 38% 40% अब देखने को मिला। यहाँ जो प्राइस है इसकी वो 0.31 डॉलर जो है इसकी प्राइस चल रही है, और ऑलमोस्ट इसकी जो प्राइस थी वो यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिला 0.22 सेंट से, ऑलमोस्ट 0.31 सेंट पहुँच गया। और जो बाउंस बैक देखने को मिला था यहाँ पर अभी सुबह 6 बजे से लेकर अभी तक बाउंस बैक देखने को मिला है। 15 मिनट के चार्ट में दो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जो थी वो डायरेक्ट 22 सेंट से 28 सेंट ले गई, और वहाँ से सेकंड कैंडल में भी अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला, और लगातार इसकी प्राइस में बाउंस बैक देखने को मिला। हालांकि अगर देखें BTC की प्राइस में जो मूवमेंट है वो डाउन ट्रेंड की तरफ हो गया है, 37,000 डॉलर आ गया है, कम हो रहा है। लेकिन सिविक कॉइन जो है इसकी प्राइस में आज सुबह यानी कि कल हमें इसकी प्राइस में कोई मूवमेंट ज़्यादा देखने को नहीं मिला था। थोड़ा सा मूवमेंट जो है वो देखने को मिला था, इतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं था कल। हालांकि कल भी अच्छा खासा मूवमेंट था लेकिन इतना मूवमेंट नहीं था। और उसके बाद इसकी प्राइस थोड़ी सी वापस नीचे आई, और नीचे आने के बाद थोड़ा सा वहाँ पर करेक्शन देखने को मिला, और उसके बाद प्राइस जो है उसमें अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिला हमें। वन डे के चार्ट में अगर बात करें तो जो स्ट्रॉन्ग कैंडल डेली जो कैंडल है वो अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल, और ये जो कैंडल है ये अभी आज सुबह क्लोज होने के बाद सेकंड जो कैंडल है ये यहाँ पर अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई दिख रही है। अभी तो 6-5 बजे कैंडल क्लोज हो जाती है, उसके बाद 1-2 घंटे की जो कैंडल है 2 घंटे की कैंडल ही बनी है ये वनडे के चार्ट में, और ऑलमोस्ट अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और अच्छा खासा मूवमेंट इसके प्राइस में देखने को मिला। अगर आपकी बाइंग जो है वो यहाँ पर 20 सेंट पर है ऑलमोस्ट, तो यहाँ पर बाइक हो सकता है बाई किया हो, बहुत से लोगों ने बाई किया हो 20 सेंट पर, ऑल टाइम हाई पर बाई किया है, तो ऑल टाइम हाई तो बहुत दूर है। अभी अभी आपका 60 सेंट पर गया था ऑल टाइम हाई, 60 नहीं ज़्यादा और भी 70 सेंट तक गया था, तो वहाँ तो आपको पहुँचने में भी टाइम लगेगा। लेकिन आपने डिप में बाई किया हो अगर 20 सेंट या 25 सेंट में भी बाई किया हो तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर 15 से 20% का प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर 20 सेंट पर बाई किया है तो आपको 40-50% का अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा होगा। और मैं मतलब मेरा मानना है कि आपको अगर इतना प्रॉफिट इस डिप में अगर हो रहा है, इस बेरिस मार्केट में हो रहा है, तो आपको 30-40% जो प्रॉफिट है वो बुक कर लेना चाहिए। और अगर 30 सेंट 25 सेंट या फिर 35 सेंट, बहुत से लोगों का मन आते हैं 30 सेंट पर बाइंग है, क्या करें होल्डल करें कि सेल करें, तो आपको होल्डल करना ही है, करना ही है, मतलब आपको लॉस में नहीं बेचना है, आपको होल्डल करना है, क्योंकि ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें लॉस में नहीं बेचना है। आप हाँ ये जरूर है कि आपका जो है अगर 32 सेंट पर है मान लीजिए, या 34 सेंट पर है, और 30 सेंट पर इसकी प्राइस आ गई है, अभी थोड़ा सा और वेट करें 32 सेंट तक आ जाएगी, आप ऑलमोस्ट थोड़ा सा मतलब स्टॉप लॉस जितना हम लगाते हैं 4-5%, उतने लॉस में आप सेल कर सकते हैं। वो सेल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आप सेल करके और इसकी प्राइस में वापस हमें करेक्शन देखने को मिलता है, या फिर दूसरे कॉइन की प्राइस में जब करेक्शन देखने को मिलता है तो जब प्राइस नीचे आती वहां पर हम बाय कर लें, और वो जो हमारा जो लॉस है वो हम रिकवर कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने हमारा है 32 सेंट पर बाई है या 34 सेंट पर बाई है, अभी इसकी प्राइस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 32 सेंट तक जाएगी, हमने एक्सपेक्ट कर लिया, तो चलिए 32 सेंट पर इसको सेल कर दिया। इसकी प्राइस में भले 35 सेंट तक चली जाएगी इसकी प्राइस, पर हम इतना ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते कि हो सकता है नहीं भी जाए। 31 सेंट पर इसकी प्राइस अभी चली गई, 32 सेंट पर हमारा बाइंग है, हमने सेल कर दिया, 2-3% 4% या 5% लॉस हो रहा होगा। इसकी प्राइस में हमें कल की डेट तक करेक्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट डे में या फिर दूसरे जो कॉइन्स है उसमें, या फिर इसी की प्राइस में करेक्शन देखने को मिल रहा है, और 25 सेंट 22 सेंट तक इसकी प्राइस जो है वो चली जाएगी, 22 सेंट 25 सेंट। अब वहाँ पर हम वापस बाई कर लेंगे तो इसकी प्राइस में वापस जब बाउंस बैक देखने को मिला है तो हमारा जो लॉस है वो रिकवर हो जाएगा। इस टाइप की चीज़ें हैं, अगर आपको इस पर आपको नज़र बनाए रखनी है। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।